रुको रुको रुको, सच जैसा कि तुम लोगों ने देखा गाइस, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने पकड़ा था ग्राउंड को जो कि गिरा। भाई ये सही में बहुत ज्यादा ही खतरनाक था गाइस, एंड इसको पकड़ने में सही में बहुत ज्यादा ही मेहनत लगी क्योंकि इसका ना डिफेंस बहुत ज्यादा ही हाई है। लाइक ये जो तुम लोगों को इसके ऊपर स्केल्स दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा ही सख्त है। तो उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था एंड बहुत ही ज्यादा लोगों ने आप लोगों में से मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि गाइस जैसे कि हम लोग म्यूटू को भी पकड़े। लाइक मैंने भी सोचा हाँ यार, हम लोगों इतने सारे पोकेमॉन्स को तो पकड़ लिया लेकिन हम लोगों को म्यूटू क्यों नहीं मिला यार। तो मैं सवाल किया, इसीलिए आज गाइस हम लोग पकड़ने जाने वाले हैं द म्यूटू को। लाइक आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ यार कि हम लोग म्यूटू को पकड़ने जाने वाले हैं, क्योंकि वो तो मुझे कभी मिला ही नहीं। तो देखो यार, तुम्हारे भाई ने उसका लोकेशन पता कर लिया। लाइक मुझे पता चल चुका है कि वो स्पॉन कहाँ पे होता है, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ लाइक ये वाले एरिया पे या फिर ये वाले एरिया में गाइस हम लोगों को वो मिल सकता है। सो मैंने पहले से ही मार्क करके रखा जिससे मैं भूल ना जाऊं यार। तो सबसे पहले ना गाइस हम लोग चाहे, इससे पहले ना मैं सोच रहा हूँ मैंने एक नई गन बनाई है जो कि है स्नाइपर राइफल। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ एंड ये पूरी लुकारियो आर्मी अपने लिए थोड़ी बहुत बुलेट्स भी बना देगी। मैं हाथ लगाऊं क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे फिलहाल के लिए। हम लोग ना गाइस एक काम करते हैं, लास्ट वाली बैटल के बाद ना हम लोगों का सारा चीज डैमेज हो गया था, वो थोड़ा थोड़ा करके ठीक कर लेते हैं यार क्योंकि बहुत गंदी वाली ही अपनी पिटाई हुई थी। लेट्स गो। सारी चीजें तो गाइस हम लोगों ने ठीक कर ली है, बस अपनी बुलेट देखते हैं। ग्राउंड भाई तुम बाहर कैसे आ गए यार? तो देखते हैं कि अनुबिस लोगों ने काम किया कि नहीं, थोड़ा सा ही बाकी है। सो जब तक ये कर है, मैं ना तुम लोगों को स्नाइपर राइफल दिखा देता हूँ अपनी। ये देखो गाइस, लाइक ये मैं फर्स्ट टाइम बनाया हूँ एंड इससे लाइक देख सकते हो भाई क्या ही सही लग रहा है दिखने में लुकारियो, राइट। तो आज हम लोग ये वाली गन भी लेने वाले हैं। इसका डैमेज मुझे नहीं पता, तो मैं फ्री में किसी के साथ पंगा नहीं लेने वाला। बट एक सेकंड यार, रात हो गया क्या? सारे लुकारियो लोगों ने रात को ही काम कंप्लीट कर दिया है। बुलेट्स हम लोग लेके जल्दी से सोने के लिए चलते हैं, कल सुबह को दोबारा भाई जाएगा एडवेंचर पे, जहाँ पे हम लोग पकड़ने वाले हैं म्यूटू को। ऑलराइट गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अपने वर्ल्ड में गुड मॉर्निंग हो चुकी है। अभी हम लोग जरा सा भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यार क्योंकि म्यूटू एक गॉड क्लास का पोकेमॉन है एंड तुम्हें पता है ये वाले पोकेमॉन्स ना ज्यादा अल्ट्रा रेयर होते हैं ना, अगर तुम लोग मिस कर दो तो पता नहीं नेक्स्ट टाइम कहाँ पे कब ये लोग स्पॉन होने वाले हैं। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हम लोग इधर आ चुके हैं। मैं लाटियस को निकाल लेता हूँ। अगर मैं सही हूँ तो हम लोग को किस तरफ जाना था भाई? इस तरफ जाना था क्या? नहीं, इधर तो टिप ऑफ लो आई गेस सामने वाला। हाँ, तो ये सामने वाला जो तुम आईलैंड देख पा रहे हो गाइस, ये वाला ना हम लोग को थोड़ा सा ध्यान से ढूंढ लेने की जरूरत है। इधर ही हम लोग को म्यूटू मिलने वाला है यार। एंड इधर तो जैसा कि देख सकते हो बस जंगल ही जंगल। अबे मैं पेड़ों के बीच में मेरा लाटियस फंस गया था यार, ये कौन है भाई? अबे क्यों भाई भौंक क्यों रहा है मेरे पे? बट इधर तो गाइस जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो यार कि म्यूटू नहीं है यार। लाइक म्यूटू है कहाँ पे? इधर है ही नहीं भाई, सही में नहीं है। तो थोड़ा ना हम लोग इधर भी चेक करते हैं, लाइक इधर भी नहीं है। तो गाइस एक काम करते हैं ना, उस वाले पार्ट को भी हम लोग जल्दी से चेक करके आते हैं जिससे कि हम लोग को म्यूटू देखने के लिए मिल जाए भाई। एंड इधर तुम लोग देख सकते हो भाई ये लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं इधर, बट इधर म्यूटू इधर भी नहीं है भाई। बट मैं सही में कह रहा हूँ गाइस कि मुझे इधर ही पता चला था कि म्यूटू होने वाला है। इतने बड़े एरिया को हम लोगों ने ढूंढ लिया बट थोड़ा सा भी कहीं पे हम लोगों को म्यूटू नहीं मिल रहा है भाई। थोड़ा ना ये माउंटेन के ऊपर चढ़ते हैं, शायद हम लोगों को मिल जाए क्या ही। इधर जैसे देख सकते हो भाई लोग कि इधर भी नहीं है, मिलने की में दुख का है खत्म नहीं होता है। ओए ये कौन सा वाला अभी अभी रुक जाओ ठीक, अपना स्टैमिना बस चार्ज कर लेते हैं। एंड ये टॉर्टेरा क्या कर रहा है यार? ऑलराइट गाइस, जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो हम लोग के सामने आ चुका है म्यूटू भाई। पकड़ना बनता है यार, लेकिन ये जाने का कहीं तो कोशिश कर रहा है। मैं इसको डैमेज देके देखता हूँ क्योंकि देखो भागने तो नहीं देना है, फाइट सीधा लेने वाले हैं हम लोग। ऑल्दो बस 25 करके डैमेज ले रहा है। रुक जाओ अपने पोकेमॉन को छोड़ता है। तब से पहले ब्लास्टोमो को एक शॉट में मार दिया। शिट, क्या पावर है। रुक जाओ, ग्राउंड रन को छोड़ते हैं। ग्राउंड रन को नहीं मार पाएगा, एक शॉट में नहीं मार पाएगा। ग्राउंड रन भाई दिखा दे भाई, लेट्स गो। 900 करके यार भाई, बहुत अच्छा डैमेज दिया। ग्राउंड रन का डिफेंस तुम लोग देख सकते हो, मैंने तुम लोगों को कहा था यार कि इसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसको मारना इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला है म्यूटू के लिए। देखते हैं ठीक है इन दोनों में से अभी कौन पहले अटैक करने वाला है। बट दोनों ही अटैक नहीं कर रहे भाई,
देख सकते हो म्यूटू को भी भाई देख सकते हो क्या बढ़िया लग रहा है। इससे एम करते हैं बट मुझे ना पता नहीं चल रहा इससे डैमेज लग भी रहा है या फिर नहीं। राउंड ऑन मार रहा है, लेट्स गो। राउंड ऑन का डैमेज भी है तो डिफेंस भी अच्छा है बट ये पता नहीं क्या ही कर रहा है उधर। तो लाटियस को उतार के देखते हैं गाइस लाटियस कितना ही अपना डैमेज देने वाला है। लेट्स गो, नॉट बैड। लाटियस भी इसको अच्छा खासा डैमेज दे रहा है बट मेरे को अभी भाई मेरे को क्यों फोकट में मार दिया इसने यार। ऑलराइट गाइस मैं फिर से जिंदा होके वापस आ चुका हूं। भाई म्यूटू को भागने नहीं देना। एंड जैसे कि तुम लोग इधर से ही देख पा रहे हो कि उधर शाइनी वाला लाइट आ रहा है उसका, तो ये कहीं पे गया नहीं है। ये वाली लोकेशन हम लोगों को भी गलती से नहीं भूलनी है गाइस, पकड़ना इसको पड़ेगा। एंड इसकी एचपी अच्छी लो हो चुकी है बे, मारे जाने के बाद कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से इसकी एचपी लो हो चुकी है। देखो भाई लाटियस अलग लेवल पे दे रहा है। भाई म्यूटू बहुत ज्यादा डेंजरस है ब्रो, लाइक आई एम नॉट इवन किडिंग। प्लीज बचा ले सुकून, बचा ले भाई मैं इधर छुपा। अरे भाई सुकून प्लीज यार दे इसको अच्छे से डैमेज दे। लेट्स गो गाइस, जैसे कि देख सकते हो सुकून ने खुल भी जमा दी म्यूटू की। लेट्स गो यार, लाइक अच्छा दे रहे बे ये लोग, मस्ती नहीं कर रहा तुम लोग के साथ। आई गेस ऐसे ही चलता रहा ना तो हम लोग ना म्यूटू को आराम से ही पकड़ सकते हैं। सुकून इधर आ जा भाई, सुकून इधर आ जा जल्दी आ जा भाई इधर आ जा। हाँ इधर से अब अटैक करने का कोशिश कर, इधर से अटैक कर। बट ये अभी कुछ नहीं कर रहे, दोनों को देख रहे लाइक ये भाई क्या सही लग रहा है। भाई मैं एक सेकंड के लिए ऐसे ज़ूम किया नहीं कि पूरा कुल्फी जमा दिया इसने। अबे दे रहा है गाइस, दोनों को दे रहा है। सुकून ने सहन तो कर लिया है भाई लिटरली। ये क्या आ रहे है मेरे तरफ, पता नहीं कहाँ चले गए भाई। अबे सुकून को उड़ा के मार रहा है भाई। ये हल्के में नहीं ले सकते इसको इतना भी हम लोग। ये ले चार बुलेट से हम लोग स्नाइपर से फायर कर सकते हैं एंड ऑलमोस्ट 50 का ही डैमेज है, सो बहुत ज्यादा नहीं है। बट ये मेरी तरफ मार रहे क्या? हाँ मेरे को ही मार रहा है। सुकून इधर आ जा भाई, क्या कर रहा है उसके साथ साथ। आ गया अपने सुकून, चल अभी इधर से फाइट ले बॉस भाई। लाइक गाइस देख सकते हो मैंने अपने सुकून को भी अच्छा खासा ट्रेन किया जिससे कि वो मेरी बात बात समझ पाए, मैं बुलाने से आ जाए यार। क्योंकि पहले मैं अपने पोकेमॉन्स को बुलाता था ना वो लोग आते ही नहीं थे बट अभी आना शुरू कर चुके हैं। लाइक समझ पा रहे होगे तुम लोग कितना ज्यादा मैं मेहनत कर रहा हूं ट्रेनिंग में इन लोगों का। बट म्यूटू दे रहा है यार, दे रहे हैं हम लोग थोड़ा कवर में। भाई सुकून को खत्म ही कर दिया यार। शिट गाइस यार अपना सुकून तो खत्म हो चुका है। एंड ये देखो मेरे को देने वाला, गया भाई, बच गया। बट भाई ये फिर से मेरे को देना चालू कर, भाई ये फिर से मार रहा है गाइस। एंड एक सेकंड ये देखो भाई, इस चक्कर में ना इसने खुद को हील कर लिया। लेट्स गो, मैं मरने वाला हूं आई गेस। बच गया। भाई हम लोगों को ना डियाल्गा को छोड़ के रखना ही पड़ेगा क्योंकि देखो इस रेट पे ना गाइस हम लोग इसको नहीं हरा पाएंगे। लेकिन किस स्पीड में हील कर रहा है, मेरे को मार देता है यार ये। आग का डैमेज सही में बहुत ज्यादा है ब्रो, बहुत ज्यादा है। एंड डियाल्गा को भी खतरनाक डैमेज दे रहा है ये। बस आई गेस ना गाइस ग्राउंड ऑन इसके सामने इफेक्टिव है कि वो ही बच पा रहा था। देखो डियाल्गा डैमेज दे रहा है बट वैसे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है भाई इसका सही में कुछ नहीं हो रहा है। आई गेस अपना लाटियोस ने इसको इतना ज्यादा डैमेज इसीलिए दिया था ना कि इसके ऊपर आग लगा दिया था लाटियस ने। बट ये फिर से लोग ब्रो इस रेट में इसको कैसे पकड़ो यार, इतना ज्यादा मेहनत के बाद इतना तो घटा था। एंड देखो अपना डियाल्गा भी म्यूटू वाला मूव देखे कुल्फी जमा दिया है भाई। म्यूटू का अपना डियाल्गा भी गॉड है यार, अपने डियाल्गा को भी इतना इजीली नहीं हरा सकते। बट मैं मार क्या, अबे यार रुक जा इतने सारे क्या छोड़ता रहता है यार, रुक जा ग्राउंड ऑन को छोड़ता हूँ। चल ग्राउंड ऑन को मार के देखा म्यूटू, तब मैं तो मेरे ग्राउंड ऑन को भी हरा के दिखा, मैं थोड़ा दूर रहने वाला हूँ। अबे बहुत मार रहा है, अबे शिट बहुत डैमेज दिया है भाई। तुम लोगों ने देखा खुद से ग्राउंड ऑन का हाई डिफेंस बहुत बढ़िया है। बट मैं बच गया। लेट्स गो गाइस, मैं बच गया यार। बट सही में गाइस ये अगर ग्राउंड ऑन को भी इतना ज्यादा डैमेज दे सकता है ना तो ये हमारे लिए सही में खतरे की बात है। बट ग्राउंड ऑन आग लगा दे रहे लाइक देख सकते हो म्यूटू आई गेस गाइस फायर टाइप पोकेमॉन्स के अगेंस्ट में वीक है। तभी ना जैसे ही उसके सामने आग लग जा रही है उसके ऊपर तो उसकी ना एचपी बहुत ज्यादा ही जल्दी जा रही है। वरना देखो डियाल्गा आइस टाइप, डार्क टाइप, न्यूट्रल टाइप ये सारे अटैक्स कर सकता है बट इतना ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा है यार वो। तो हम लोगों को ना गाइस लगता है इस वाली फाइट में सबसे ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा। लाटियस तो अपना चला गया तो मतलब हम लोगों को बचा कौन सकता है अभी, एंड वो है ग्राउंड ऑन। क्योंकि देखो डियाल्गा आग तो नहीं लगा सकता है वैसे, लाइक उसके कोई मूव सेट अभी के लिए तो मैंने नहीं देखा है। ओए भाई इन सब के बीच से भी अटैक आता है। बट एक सेकंड रुक जाओ गाइस, अगर मैं चेक करूं मेरे डियाल्गा का मूव सेट में मैं एक फायर
दे सकता हूँ, ठीक है ये वाला देते हैं। यार डियाल्गा अभी फायर अटैक करेगा लाइक मिड बैटल, मैंने ये चेंज किया अभी करेगा, लेकिन ये किसी काम का नहीं है। छह भाई जी भाई 45 पावर है उसका, मुझे समझ में आ जाना चाहिए था कि वो इतना काम का नहीं होने वाला है। बट स्टिल हम लोग गाइस एक काम करते हैं, डार्क लेजर का यूज करते हैं, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा डैमेज मेरे को दिख रहा है करेंटली, क्या पता इससे डियाल्गो अच्छा खासा डैमेज देते। लेट्स गो। अबे म्यूटू ने क्या डॉज किया, लाइक डियाल्गा के आइस वाले मूव को उसने स्लो मोशन पे डॉज कर लिया भाई, लाइक मजाक बना दिया मेरे डियाल्गा का। बट हां भाई ये भी तो सही है क्योंकि म्यूटू खुद गॉड टाइप का पोकेमोन है। एंड लेट्स गो डियाल्गा को इस बार लगा नहीं गाइस, भाई मजा आ गया यार। बट इसी के साथ साथ गाइस अगर तुम लोगों को भी मजा आ रहा है तो मेक श्योर कि तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि भाई मैंने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सरप्राइज रखा है। बट रुक जाओ, अभी के लिए तो अपना ये मरने वाला था, ग्राउंडर को छोड़ते हैं। एंड हां गाइस जो वाला सरप्राइज की मैं बात कर रहा था तुम लोगों से वो है कि जो भी आप लोगों में से ये वीडियोस देख रहे हो ना, मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब भी ऐसे ऐसे पोकेमोन सारे भाई पकड़ने वाला है ना जो इस वर्ल्ड में आज तक किसी ने भी नहीं पकड़े है। यूट्यूब में भी यार ऐसा कोई भी यूट्यूबर नहीं है जिसने ये वाले पोकेमोन्स को पकड़ा होगा जो हम लोग पकड़ने वाले हैं। लाइक बहुत सारे पोकेमोन्स का लोकेशन तुम्हारे भाई को पता चल चुका है, बट ग्राउंड ऑन को थोड़ा है यार ये म्यूटू भी तो हल्के में सही में नहीं ले सकते भाई। म्यूटू एक सही में गॉड क्लास का पोकेमोन है यार, लाइक अगर डियाल्गा के सामने वो टिक सकता है तो तुम लोगों को पता है कि वो कितना ज्यादा ही पावरफुल है। एंड गाइस उसी के साथ साथ मेक श्योर तुम लोग ये वाली वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि 10 के सब्सक्राइबर्स में ना कोई धमाका होने वाला है। लाइक मैं अभी तुम लोगों को बता नहीं सकता, तुम लोग जल्दी से लेकिन सब्सक्राइब कर दो जिससे कि तुम लोगों को वो सरप्राइज मिलने वाला है। एंड आई प्रॉमिस गाइस कि वो वाला पोकेमोन पैल वर्ल्ड की हिस्ट्री में अभी तक किसी ने नहीं देखा ही नहीं है यार, पकड़ना तो बहुत दूर की बात है। बट ये बहुत मार रहा है गाइस, अब थोड़ा सा सीरियस हो जाता यार, मार दिया। ऑलराइट गाइस मैं फिर से रिस्पॉन हो गया तो आ चुका हूं। बट भाई हम लोग जाए कैसे, रुक जाओ हम लोगों ने पैराशूट का एंड दिमाग का यूज करना पड़ेगा ऐसे कर। अरे नहीं हुआ, रुक जाओ और एक ट्राई करते हैं, तो ऐसे करके मार के मिड एयर में छोड़ दो एंड लेट्स गो पैराशूट खोल लेते भाई। ऐसे करके हम लोग जा सकते हैं क्योंकि अपने लाटियोस का तो पिटाई कर दिया यार म्यूटू ने। इधर गाइस हम लोग उतरते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड अगर मैं सही हूँ सो इधर हम लोग ग्रैपल करते हैं, ठीक है। इधर ग्रैपल करके फिर से सेम लेट्स गो भाई, क्या ही ग्रैपल किया। लाइक मुझे तो लगता है ना गाइस कि हम लोग पोकेमोन मास्टर के साथ साथ ग्रैपलिंग मास्टर भी हो रहे हैं यार, है ना। इसी से याद है गाइस कि अपने 6C आर्मी में आज तो म्यूटू भी शामिल होने वाला है। लाइक देखो तुम्हारा भाई इतना ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है ना कि अभी पोकेमोन पकड़ना तो इजी हो चुका है अपने लिए, बट पोकेमोन्स दिखते नहीं है यार, ये लेजेंडरी पोकेमोन्स ना बाहर आते ही नहीं है। लाइक तुम लोगों ने खुद देखा होगा यार, ग्राउंड ऑन तो इतना ज्यादा रेयर है कि फर्स्ट टाइम बस मुझे ही मिला है यार, मेरे सिवाय किसी को अभी तक नहीं मिला। एंड मैं मानता हूँ यार वो बहुत ज्यादा हार्ड था, बट मैंने बस आप लोगों के कहने पे ही उसको ढूंढ के निकाला है। एंड यस आप लोगों ने जो जो मुझे लेजेंडरी पोकेमोन्स बोले हैं मैं सारे के सारे निकालने वाला हूँ। बट फिलहाल के लिए म्यूटू की पिटाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बर्फ ब्लॉक कर दिया क्या मेरा बुलेट्स को यार, डेड भाई ये। ओए ओए ओ ओ मरने वाला हूं, बच गया, लेट्स गो। अबे रुक जा भाई ये चीटिंग है यार, एक तो अबे यार ये मेरे को खड़े नहीं होने दे रहा है, लाइक देख सकते हो बस मुझे मारे जा रहा है, डियाल्गा से उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या। डियाल्गा भाई इसको थोड़ा बता भाई तू कौन है यार, तू एक गैलेक्टिक लेवल का गॉड है, बता भाई इसको ये मेरे पीछे क्यों पड़ गया यार। एक देने वाला है डियाल्गा अभी, लेट्स गो। किसकी कुल्फी जमी है, दोनों ने कुल्फी जमा दी दोनों की भाई, अबे लेट्स गो भाई, दोनों ने एक ही टाइम पे आइस मूव किया जिससे कि दोनों ही फ्रीज हो गए भाई, कांटे की टक्कर चल रही है। मुझे भी नहीं पता है इस पॉइंट पे कि कौन ज्यादा पावरफुल है, बट हाँ इतना मुझे लगता है कि डियाल्गा ही पावरफुल है, बट ये पागल पोकेमोन ना बहुत मारता है एंड मैं इसके ऊपर से एम तो नहीं हो रहा। बट लेट्स गो भाई, हम लोगों ने म्यूटू को अच्छा खासा उड़ा उड़ा के मारा है, म्यूटू देने वाला है थोड़ा कवर में, चल लो बचना चाहते हो चल लो। आ गया मैं, बच गया, लेट्स गो भाई, ये बहुत ज्यादा ही डैमेज दे रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे बॉल्स की वजह से डियाल्गा के ऊपर आग लग चुकी है, बट इतना भी ज्यादा नहीं कि हम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है क्योंकि डियाल्गा के ऊपर देख रहे हो बस 58 करके फायर डैमेज आ रहा है यार। लेकिन गाइस एक चीज ना मुझे लगा नहीं था कि म्यूटू एक गॉड जो कि अपना डियाल्गा गैलेक्टिक लेवल का उसको कभी फ्रीज कर सकता है, इतना तो मुझे भी नहीं लगा था, लेकिन सही में यार देखने लायक बात थी किसने कर दिया। एंड डियाल्गा को अब हम लोग
नहीं छोड़ सकते गाइस, वरना डियाल्गा मर ही जाएगा। लाइक वो लिटरली 1 एचपी का हो चुका है। बट इसी से एक चीज मेरे दिमाग में आई भाई, लाइक तुम लोग ने मुझे गाइस अभी की अभी कमेंट सेक्शन में जाओ एंड कमेंट्स करके बताओ यार कि म्यूटू के साथ हम लोग किसकी ब्रीडिंग करें। लाइक सोच के देखो क्या क्या मिथिकल पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। मैं मर गया, बच गया। ये पागल है यार, ये फ्लोर में पता नहीं क्या मारता है, इसका रेडियस इतना ज्यादा है ना गाइस कि हम लोग बच भी नहीं सकते। देखो 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 फिर से फ्रीज अटैक, बच गया मैं, लेट्स गो। अबे इसको इतना बड़ा डायनासोर नहीं दिख रहा है क्या? इससे तो साइज में 4-5 गुना बड़ा होगा। ये कुछ कर नहीं रहा भाई यार, और थोड़ा हेल्थ घटाने की जरूरत है गाइस। हम लोग ऐसे करके दे ही होगा भाई, बट मुझे लगता है ना म्यूटू हम लोग को एटीट्यूड में देख रहे थे, इसने हमारी 6 आर्मी को हल्के में लिया है। रुक जाओ गाइस, आज अगर मैं इसको नहीं पकड़ पाया ना, मैं फिर नूब हूं भाई, मैं कोई पोकेमॉन मास्टर नहीं हूं। आज अपनी 6 आर्मी के लिए तो मैं इसको पकड़ के दिखाने वाला हूं। लाइक जो भी हो जाए, लेट्स गो भाई, ग्राउंड ऑन भी फुल मदद कर रहा है। इसने ऊपर भी लावा फेंका था, बट ये चला कहां आ गया ना, आई डोंट नो यार, लाइक सही में पता नहीं है। बट ठीक है गाइस, आई होप ना हम लोगों ने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है। हां अच्छा डैमेज दे दिया, एंड भाई देख सकते हो ग्राउंड ऑन की भी एचपी इसने बहुत ज्यादा ही लो कर दिया। लाइक ऑलरेडी 3-3 पावरफुल पोकेमॉन्स को ये मार चुका है। एंड ये देखो गया 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 गया, बच गया बच गया, मार नहीं पाया। लेट्स गो ग्राउंड रन भाई। ओ भाई बहुत प्यारा, बहुत प्यारा ग्राउंड रन भाई, बहुत प्यारा ही दे रहे हैं ग्राउंड रन भाई। थोड़ा कवर दे दो यार, थोड़ा सा कवर। एंड ग्राउंड रन भाई को भूख लगा है यार, अपने पास खाना वाना नहीं है क्या? रुक जाओ ये मारेगा यार, लेकिन मेरे पास सही में गाइस कोई खाना ही नहीं है भाई। भाई भाई बहुत गंदा मार रहे थे। ग्राउंड रन की एचपी तुम लोग देख सकते हो, इतना उतारने में मेरे सारे पोकेमॉन्स की हालत टाइट हो गई थी। इसको देखो यार कैसे करके लो कर दे रहे हैं ग्राउंड रन को। भाई मुझे लगता है ना मेरा ग्राउंड रन मर सकता है, क्या करूं गाइस, मैं वापस बुला लूं क्या? अबे मैं गिर जाऊंगा, जल्दी चढ़ते हैं। ये अभी अगर अटैक कर दिया ना मैं मर जाऊंगा भाई सही में। ग्राउंड रन थोड़ी देर के लिए रोक ले भाई उसको, मैं तेरा खाना जुगाड़ कर रहा। मेरे बैग में खाने लायक कुछ भी नहीं है। लेट्स गो गाइस, हम लोग को बेस ही जाना पड़ेगा ग्राउंड रन को खाना खिलाने के लिए, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही लो हो चुका है यार। प्लीज ग्राउंड रन भाई और थोड़ा सा लो कर दे यार, मैं नहीं चाहता गाइस कि मेरा डियाल हार जाए। और प्लीज ग्राउंड रन भाई, भाई ग्राउंड रन देने वाला है, तीनों बॉल ही देने वाला है। कर दे ग्राउंड रन भाई, कर भाई, तेरा टारगेट म्यूटू है यार। क्या अच्छा वो म्यूटू का ही अटैक था, मुझे लगा ग्राउंड रन मेरे को क्यों मारने लग गया भाई। भाई बहुत अबे शिट, कहां भेज दिया मेरे ग्राउंड रन को, वो देखो भाई। शिट भाई ये पोकेबॉल पे रिटर्न आ गया, मर गया मैं यार। शिट बच गया। डियाल्गा को थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं गाइस, बस एक अटैक डियाल्गा का एंड देन हम लोग इसको पकड़ सकते हैं। लेट्स गो, अच्छा खासा लो कर दिया। 8 ही मास्टर स्पीयर है, क्या इसमें ये आएगा? पहले वाले में तो आ जाना चाहिए, क्योंकि डियाल्गा के इस अटैक से ना पोकेबॉल्स बहुत वीक हो जाते हैं। लेट्स गो भाई, हम लोगों ने पकड़ लिया है अपना फर्स्ट म्यूटू। भाई साहब ये इतना ज्यादा एक मिथिकल पोकेमॉन है ना गाइस कि ये मुझे कभी भी दिखाई नहीं था, एंड आज लकीली हम लोगों को मिल गया यार। एंड मैंने तुम लोगों से क्या कहा था यार कि अपनी 6 आर्मी के लिए मैं इसको पकड़ के दिखाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस, अभी तो हम लोग अपने बेस में आ चुके हैं। सबसे पहले इन लोगों की बहुत गंदी वाली पिटाई हुई है यार, सबको इधर रख देते हैं रेस्ट लेने के लिए। एंड अभी देखते हैं अपना म्यूटू कहाँ है भाई। ये अपना फर्स्ट म्यूटू भाई, लेट्स गो, इसको निकालते हैं गाइस। हाँ देखते हैं दिखने में क्या है। लाइक यार ये देख सकते हो, ये अभी से दिखने में क्या सही लग रहा है यार। इसको थोड़ा प्यार, अबे इसको प्यार करने के चक्कर में मैं गायब हो गया, देखो। अबे ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक फीचर है। लाइक इससे पहले मैंने किसी भी पोकेमॉन के साथ ये चीज नहीं दिखा था। देखो मैं दोबारा गायब हो गया भाई। अबे भाई ये वाली चीज मस्त हमारे हाथ लगी है, लिटरली म्यूटू कितना पावरफुल है मैं तुम लोगों को दिखा रहा, ठीक है। लाइक ये देखो चिलेट इग्निस है, म्यूटू का एक अटैक पढ़ने दो, खत्म भाई। तो 2 लाख का डैमेज डियाल्गा वगैरह हमारे पास नहीं होते ना गाइस, लाइक ग्राउंड डाउन, तो हम लोग म्यूटू को पकड़ ही नहीं पाते। लाइक इसका डैमेज तुम लोगों ने खुद देखा यार, 2 लाख के सामने कौन ही टिक पाता। ठीक है गाइस, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो हम लोगों ने अपना फर्स्ट म्यूटू पकड़ लिया। मैं एक सीक्रेट तुम लोगों को बताता हूं, मैंने सुना है ना इस म्यूटू से भी और भी ज्यादा बड़ा एंड पावरफुल एक म्यूटू इस गेम में रहता है, जो कि आई गेस 500 लेवल का या 200 का है। इसको भाई बहुत ही ज्यादा इनसेन एंड रेयर है वो, लाइक वो कभी भी नहीं दिखा है, लाइक कभी भी नहीं दिखता है, वो इतना रेयर है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उस वाले म्यूटू को भी पकड़ूं, सो मेक श्योर तुम लोग कमेंट्स करो। तो बस और क्या, आज की इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा नहीं, बस 200 लाइक्स का एक प्यारा सा गोल दे रहा हूँ। आई नो तुम लोग करवा दोगे तो करवा देना, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन बाय, है ना। मेक श्योर कि ये वाली वीडियो अपने दोस्तों को भी दिखाना, जिससे उनको भी पता चले यार अपनी 6 आर्मी में कितने खतरनाक पोकेमॉन्स है। बाय बाय।